हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय ट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि बॉन्ड्स किस टाइप से बनते हैं। क्या सीखेंगे? बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये किस टाइप से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूँ, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड नाम क्यों दिया और इसको पाई नाम क्यों दिया? और भी बॉन्ड होते हैं, जैसे डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, ये भी बॉन्ड का टाइप है। या फिर फाई बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड का टाइप है। या फिर म्यू बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड के टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस में मिल रही है वो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जेई एंड नीट में, ठीक है, और डेल्टा बॉन्ड भी हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। ये थोड़े हायर लेवल के बॉन्ड्स हैं, यानी हायर लेवल की स्टडीज में आते हैं, तो हम इन बॉन्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, ओके। चलिए पहले सीखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले जैसे हम एस ऑर्बिटल लेता हूँ मैं, कौन सी ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, ठीक है, इसका न्यूक्लियस हो गया, सेंटर हो गया, और ये एस ऑर्बिटल, ठीक है। अभी मैं इसको क्वांटम नंबर शो नहीं कर रहा हूँ, जैसे इसको 1s, 1s, 2s या 2s शो कर दूँ, ऐसे मैं भी शो नहीं कर रहा हूँ, ओके। चलिए अब इनको क्या करना है, देखिए ये ऑर्बिटल क्या होंगे, पास में आएंगे एक दूसरे के, कैसे आएंगे? अभी किस पे आती हैं, कोई एक्सिस होगी, उस एक्सिस का नाम क्या लिखेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोलेंगे उसको? देखिए ये एक एक्सिस है, क्लियर है, और इन ऑर्बिटल्स को हम पास में लाएंगे, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो किस पर करेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब आई एन ए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। तो क्या होगा, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहां पर है? इसी टाइप से है, ठीक है, आई एन ए, ठीक है। जब भी ओवरलैपिंग, ये क्या है? ओवरलैपिंग, क्या है ये? ओवरलैपिंग, ओवर लैपिंग, ठीक है। जब भी ये ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होगी, देखिए ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और ओवरलैपिंग किस पर हुई है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हुई है। तो ऐसे बॉन्ड जितने भी होंगे सबको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड, जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा बॉन्ड, ओके। अब हो सकता है कि ये सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से ओवरलैपिंग, ऐसे भी तो हो सकता है कि आपका एक ऑर्बिटल ये हो और एक ऑर्बिटल ऐसे हो, इसका प्लस, इसका प्लस, माइनस, माइनस। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं होते हैं, क्या होते हैं? फेस होते हैं, क्या होते हैं? फेस। इसी टाइप से यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग तभी होगी जब क्या हो, फेस सेम होने चाहिए, ठीक है। फेस क्या होने चाहिए? जैसे पॉजिटिव फेस है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल्स हैं। जब इनको मिक्स करेंगे, जब इनको ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी? देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस टाइप से जाएगी, तो इनको पास में लाइएगा तो क्या होगा? ये प्लस फेस यानी सेम फेस पास पास में है, तो क्या होगा? इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखिए ये जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इस टाइप से है, ये आई एन ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। तो ये किस पर ओवरलैपिंग है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर पी ऑर्बिटल हो और यहाँ पर एस ऑर्बिटल हो, जिसका फेस क्या हो? पॉजिटिव, और इसका फेस पॉजिटिव, तब भी ओवरलैपिंग होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी एक ऑर्बिटल ऐसे हो गई, अभी देखिए मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि पी एक्स ले रहा हूँ या पी वाई ऑर्बिटल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि पी एक्स ऑर्बिटल ले रहा हूँ, पी वाई या पी जेड, ठीक है। अभी थोड़ी देर में सीखेंगे कि जब हम ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है और पाई बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इस टाइप से, ये क्या है? आई एन ए,
इसी एक्सिस पर इन दोनों को पास में लाना है। जब इसी एक्सिस पर इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या होगा, देखिए ठीक है, इसको इसके बराबर बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग और यहाँ पर ओवरलैपिंग, यानी कि अगर बात की जाए तो ओवरलैपिंग जोन, ओवर लैपिंग जोन कितने यहाँ पर 2 है, ठीक है। जबकि और ये जो ओवरलैपिंग है कहाँ है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो क्या है, ओवरलैपिंग है। जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है कि जब ओवरलैपिंग किस पर हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है, अबव एंड बिलो, ठीक है। जब ऐसे ओवरलैपिंग होगी, इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड बोलते हैं, ओके। क्या बोलेंगे इसको, पाई बॉन्ड, ओके। अब यहां पर क्या करा हमने, अब देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस है, ठीक है। IUPAC ने डिसाइड कर दिया कि हमें जेड एक्सिस, अगर आपसे नहीं बोला गया है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस है। क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि अगर जेड एक्सिस ना मान के हम एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते तो कौन से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये अभी आगे करेंगे, जस्ट हम पहले ये सीख लेते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, या डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं पाई बॉन्ड में, 2, और लोब्स कितने होते हैं, जितने जोन होंगे उसका 2 गुना, यानी कि कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 4 लोब्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, पाई बॉन्ड को बनाने में, ओके। आगे देखिएगा, नेक्स्ट होता है, अगर मैं ऐसे डी ऑर्बिटल का यूज करता हूँ तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, अपोजिट जो लोब्स होते हैं वो सेम साइन के होते हैं, ठीक है, सेम फेस के होते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल पी ले लेता हूँ, ये डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इनको कंबाइन होने के लिए लाइएगा आप, तो क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है हमारी INA, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इसको पास में लाइएगा, ये प्लस फेस, प्लस फेस, सेम फेस है और ये भी सेम फेस है, दोनों क्या आ जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, देखिए ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखिए ओवरलैपिंग होगी। अब ये ओवरलैपिंग कहां पर हो रही है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो, यानी कि ये बॉन्ड भी कैसा है, पाई बॉन्ड, कैसा है, पाई बॉन्ड बोला जाएगा इसको भी, क्लियर है। यानी कि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलकर भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, पी ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसी जो ओवरलैपिंग होती है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, कैसे बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर देखिए इसी में मैं आपको बता देता हूं, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, इसी ऑर्बिटल को उल्टा कर देते हैं हम, यानी माइनस प्लस, अब क्या होगा, देखिए इसका प्लस इसका माइनस दोनों आपस में अपोजिट फेस है, यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट फेस है, तो ऐसी ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्या होगा, रिपल्सन होगी दोनों में, जब रिपल्सन होगी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगी नेगेटिव ओवरलैपिंग, क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा बस, ठीक है, बाद बाय कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर करेंगे नेक्स्ट चल आगे चल के, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इस ऑर्बिटल को देखिए, मैंने ऐसे रिवर्स कर दिया और ऐसे रिवर्स कर दिया यहाँ पर, तो हो सकता है मैं ऐसे इसको लेके आता हूँ, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे लाएंगे इसको, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये लोब्स किसी से नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सेंटर पर जाएगी, जो कि क्या होता है, नोड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर ऐसी ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, 0 ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमने क्या सीखा है, जहाँ पर भी बॉन्ड बनता है, जैसे बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग हुई तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यहाँ पर जब रिपल्सन आए, जब अपोजिट फेस हो तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, और जब कुछ नहीं हो, देखिए सेंटर पर जा रहा है, इसके पास आएगा ना, इसके पास ना इसके पास, तो इसको बोलेंगे 0 ओवरलैपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा देखिए, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ लेक्चर, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तूने ऑर्बिटल्स का शेप देखी वहाँ पर जाकर, वो मैंने प्योर हिंदी में यूज किया वहाँ पर, तो इसको डी एक्स वाई में मान लेता हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये भी क्या है, डी एक्स वाई है, और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मानता हूँ क्या, जेड एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मानता हूँ, ये जेड एक्सिस है, क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा, देखिएगा इसमें कितने लोब्स हैं, फोर लोब्स हैं, कितने लोब्स हैं, फोर लोब्स हैं, ठीक है, इस टाइप से देखिएगा, इस टाइप से फोर लोब्स हैं ये, ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा हाथ से अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये फोर लोब्स हैं। तो क्या होगा, अब देखिए इस टाइप से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फोर लोब्स इस टाइप से हैं, ठीक है, क्लियर है आपके, और जेड एक्सिस जो इस टाइप से जेड एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो जब इनको जेड एक्सिस पर लाएंगे, देखिए कितने लोब्स कंबाइन हुए, देखिए ये लोब आपस में कंबाइन होगा, ओवरलैपिंग होगी, इस लोब की कम ओवरलैपिंग होगी, इस लोब की ओवरलैपिंग होगी, और इस लोब की ओवरलैपिंग होगी, जब इस टाइप से फोर लोब्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, फोर ओवरलैपिंग जोन होंगे, जबकि लोब्स पार्टिसिपेटिंग कितने, एट, ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, फोर, तो जब फोर ओवरलैपिंग जोन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए, ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए इसमें, फोर, जबकि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कितनी होगी, एट, यानी कि जो प्लस फेस है ये इस फेस से कंबाइन करेगा, ये माइनस फेस इस फेस से ओवरलैपिंग करेगा, ये इस फेस से और ये इस फेस से, तो ये क्या हो गया, एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें मैं क्या करूँगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को चेंज कर दूंगा। ओके, अभी तक क्या था, सभी जगह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या था, जेड एक्सिस था। ओके चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें पी एक्स, पी एक्स, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हें मानना पड़ेगा, यहाँ पर जेड लिख लेते हैं, फिर पी एक्स प्लस पी एक्स ऑर्बिटल लेते हैं, इंटर, देखिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे ऊपर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिख रहा हूँ, कौन सी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जिसके थ्रू तुम्हें क्या कराना है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करानी है। ओके, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वाई एक्सिस। ओके, और पी एक्स प्लस पी एक्स, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सिस, ठीक है, पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स, और मैंने तीनों को क्या कर दिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कर दिया। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं हम, देखिए क्या मानना है हमें, पहले फिक्स कर लेते हैं ऑर्बिटल एक्सिस को, फिक्स कर लेते हैं कि हमें एक्सिस कैसे मानना है। ठीक है, देखिए एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये फिक्स कर चुके हैं हम। ओके, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके चलिए, अब जो पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स ऑर्बिटल है, हम क्या सीख चुके हैं, पी एक्स ऑर्बिटल के लोब्स कहाँ पर होते हैं, ये मैं आपको और शेप ऑफ ऑर्बिटल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स, यानी पी एक्स ऑर्बिटल के लोब्स एक्स एक्सिस पर होते हैं, पी वाई के वाई एक्सिस पर होते हैं, और जेड एक्सिस के पी जेड के जेड एक्सिस पर लोब्स होते हैं। ओके, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अभी जो हमने माना था, एक्स एक्सिस इस टाइप से, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल लिया हमने, पी एक्स, पी एक्स, कौन सा ऑर्बिटल लिया है, पी एक्स, यानी कि इसको एक्स मानेंगे, यानी कि एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, ये पी एक्स ऑर्बिटल होगी। इसी टाइप से एक दूसरी ऑर्बिटल मैं ले लेता हूँ, ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये दूसरा लोब है, ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे माना था, तो लोब्स भी इसी टाइप से होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस। ओके, तो देखिए जेड एक्सिस कैसे माना था, ऐसे जेड एक्सिस था, इसका मतलब इनकी कंबाइनिंग ऐसे होगी। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है जैसे एक्स एक्सिस पर लोब्स हैं, जस्ट ऐसे ले जाइए इसको, ठीक है, अब ऐसे लगे, अब इनको आपस में पास लाइएगा, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, देखिए एक ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी और एक ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी, कितने ओवरलैपिंग जोन होगे, टू ओवरलैपिंग जोन होगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर दो ओवरलैपिंग जोन पर कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पर, पाई बॉन्ड,
जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको करते हैं पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स, यानी कि ये भी ऑर्बिटल ऐसे ही रहेंगी सेम। उसके बाद क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर लाना है, यानी कि एक्स एक्सिस भी यही है और ऑर्बिटल्स भी यही है, ठीक है, यानी इनको ऐसे कंबाइन करना है। जब ऐसे कंबाइन करेंगे तो ये ओवरलैपिंग जोन कितना हुआ, वन ही ओवरलैपिंग जोन है। और ये ओवरलैपिंग जोन कहाँ पर है, उसी एक्सिस पर प्रेजेंट है। जब उसी एक्सिस पर प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, पी एक्स पी वाई और वाई लिखते हैं, ठीक है, पी एक्स पी एक्स और वाई एक्सिस क्या था, इस टाइप से हमने वाई एक्सिस माना था, ठीक है, यानी पी एक्स पी एक्स ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद ऐसे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, आपस में वाई एक्सिस पे इनको पास लाइएगा, तो देख कितने ओवरलैपिंग जोन होगी, देखिए एक यहाँ पर होगा ओवरलैपिंग और एक यहाँ पर होगा ओवरलैपिंग, कितने ओवरलैपिंग जोन होगी, टू। तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ओके चलिए कुछ और करते हैं, इसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल आगे देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया जाए पी एक्स प्लस पी वाई, किस एक्सिस पर लाना है, मान लेते हैं चलो वाई एक्सिस पर लाना है, वाई एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड भी ले सकते हो एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ले लिया, एक एक्सिस है, एक पी एक्स ऑर्बिटल और एक पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। देखिए ये पी एक्स हो गया और ऐसे पी वाई हो गया, क्योंकि पी हमने ऐसे माना है एक्सिस को, तो पी वाई यानी इसके एक लोब ऐसे हो गया, एक लोब ऐसे हो गया, और इसके लोब इस टाइप से रहेंगे, तो यानी कि ये पी एक्स है और ये पी वाई है, इस टाइप से पी वाई रहेगा, इस टाइप से पी एक्स रहेगा, और किस एक्सिस पर लाना है, वाई एक्सिस पर लाना है। तो यानी कि देखिएगा एक्स एक्सिस इसी टाइप से है लोब्स, और वाई एक्सिस किस टाइप से लोब्स है, लाना किस पे है, वाई एक्सिस पर लाइएगा इस टाइप से। तो क्या हो गया, देखिए इस और जो नीचे वाले पी वाई ऑर्बिटल है, इसका लोब्स कहाँ पर आके मिला, जहाँ पर पी एक्स के लोब का नोड होता है, ठीक है, यानी कि इस टाइप से क्या होता है, नोड होता है। जैसे पी एक्स ये पी वाई हो गया और ये पी एक्स हो गया, ऐसे कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस टाइप से ये इसके नोड पर जाके कंबाइन हो रहा है, जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रोडेंसिटी नहीं है, लोब्स ही नहीं, तो कैसे ओवरलैपिंग हो जाए, तो कौन सी ओवरलैपिंग बोला था, ये जीरो ओवरलैपिंग, यानी यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके इसी टाइप से आप जेड ले लो या एक्स ले लो, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगर एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पर, कोई एग्जाम्पल देखिएगा। ओके डी एक्स वाई प्लस पी एक्स किस पर लाना है, एक्स एक्सिस पर ले आते हैं, ठीक है, चलो वाई पर लाते हैं, कोई बात नहीं वाई पर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमें मैंने क्या बोला था, जो डी एक्स वाई होता है उसके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, तो ये क्या माना है, डी एक्स वाई, तो हमने एक्स एक्सिस तो ऐसे मान रखा है और वाई एक्सिस ऐसे मान रखा है, ठीक है, तो इसके लोब्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अगर मैं इसको 40 डिग्री टिल्ट कर देता हूँ तो क्या हो गया, लोब्स बन गया, क्या बन गया, लोब्स बन गया, और दूसरी ऑर्बिटल क्या ला रहे हैं, वाई ला रहे हैं, सॉरी पी एक्स ला रहे हैं, कौन सी ऑर्बिटल ला रहे हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, तो पी एक्स ऐसे होगा पी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमने ऐसे माना है। अब क्या करना है, वाई एक्सिस पर लाना है, किस पर लाना है, वाई एक्सिस पर। देखिए ये डी एक्स वाई हो गया, एक्सिस तो ऐसे हैं, हमने टिल्ट कर दिया इसको, तो इसका मतलब लोब्स बन चुका है, डी एक्स वाई बन चुका है, और पी एक्स ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे नहीं लाने, अगर ऐसे लाएंगे तो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान लिए, एक्स एक्सिस, अगर ऐसे लाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे जब हम लाएंगे तो देखिए कितने लोब्स कंबाइन हो रहे हैं, वन और इधर ये टू, टू लोब्स कंबाइन हो रहे थे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर हम यहीं पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान लें, वाई एक्स जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस कैसे आएगा, देखिए इस टाइप से कंबाइन होगा, जो कि यहाँ पर नोड पर आएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर देखिए इस टाइप से आएगा, कौन सी ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, यानी एक्स एक्सिस पर भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, जेड एक्सिस पर भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, और जब वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। ओके क्लियर है। अब देखिए हम और भी मान लेते हैं, जैसे डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई,
और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको मानते हैं, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। ओके तो क्या होगा देखिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर डी एक्स वाई, डी एक्स वाई अभी ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सिस है अभी एक्स और ऊपर की तरफ वाई। अगर हम क्या करें इसको टिल्ट कर देते 45 तो क्या बन गए, ऑर्बिटल के लोब्स बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, ऑर्बिटल के लोब्स। ओके अब क्या करना है, एक्स एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, यानी कि एक्स एक्सिस हमने ऐसे मान रखा है, तो देखिए इसको कंबाइन कीजिएगा, एक्स एक्सिस पर लाना है तो कितने लोब कंबाइन हुए देखिएगा, 1 2 टू लोब कंबाइन हुए। जब टू लोब्स कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, उसके अबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ओके आई होप सभी के क्लियर होगा, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और एग्जाम्पल करेंगे। ओके क्लियर है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।